of melting and boiling point in period 3 elements. First 3 elements, sodium, magnesium and aluminium, they are metals and they will be having metallic bonding, they will be having metallic structures. The melting and boiling point rises across the 3 metals. Yani in jab hum sodium se aluminium tak move karenge to melting and boiling point they will, it will increase because of the increase in the strength of metallic bond. So we must know on what factor the strength of metallic bond depends. The strength of metallic bond depends upon the number of delocalized electron contributed by each atom. As we have studied earlier that electrical conductivity of metallic bond metals also depends upon the number of delocalized electron. Same is the case with the strength of metallic bond. It also depends upon the number of delocalized electrons contributed by each atom. Sodium, in the case of sodium, one electron is set free, one electron is delocalized electron. मैग्नीशियम के केस में टू इलेक्ट्रॉन्स पर एटम है एंड इन द केस ऑफ एल्यूमिनियम देयर आर थ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एटम. सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच ईच एटम कैन कंट्रीब्यूट टू द डीलोकलाइज्ड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इंक्रीजेस फ्रॉम सोडियम टू एल्यूमिनियम. द एटम ऑल्सो गेट स्मॉलर और एज अ रिजल्ट क्या होता है, मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी एंड एज अ रिजल्ट द मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इट विल इंक्रीज. ठीक है, इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा, अच्छा एक और चीज़ इसमें है इम्पॉर्टेंट, वो ये कि सोडियम इज़ एट कोऑर्डिनेटेड. एट कोऑर्डिनेटेड का मतलब है अगर हम इसका मेटालिक स्ट्रक्चर देखें तो ईच सोडियम एटम इज टच्ड बाय या सराउंडेड बाय ओनली एट अदर एटम्स. इन द केस ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम इट इज़ 12 कोऑर्डिनेटेड, मीन्स ईच मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम एटम इट इज़ सराउंडेड बाय nearest 12 neighbors. तो आपको साफ जाहिर है कि किस में क्लोज पैकिंग होगी, किस में मोर एफिशिएंट पैकिंग होगी, किस में स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड होगा. तो ये दो फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स फ्रॉम सोडियम टू एल्यूमिनियम. ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करें सोडियम मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम को तो एल्यूमिनियम विल बी हैविंग हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू मैग्नीशियम एंड सोडियम. देन कम्स द सिलिकॉन. सिलिकॉन इज अ जाइंट मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर जस्ट लाइक डायमंड, तो दैट्स वाई ऑफकोर्स इसके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग तो नहीं है, है ये सेमी मेटल, लेकिन चूंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है जॉइंट नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स है जिसको ब्रेक करने के लिए मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, दैट्स वाई सिलिकॉन विल be having highest melting and boiling point after sodium, magnesium and aluminium. अगर आप अपनी बुक में ग्राफ देखें तो after silicon the graph drops, यानी जो अगले फोर एलिमेंट्स हैं which are non-metals उसमें ट्रेंड जो है वो डिफरेंट हो जाता है, उसमें जाके वो डिक्रीज कर जाता है. और उसकी क्या रीज़न है, उसकी रीज़न जो है वो ये है कि दे आर non-metals और उसमें साइजेस और चीज़ों का भी वो आता है सिलसिला. वो मैं आपको उन सब एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर के साथ जो है वो एक्सप्लेन करूँगी कि उन फोर को आप आपस में कैसे कंपेयर करेंगे.